बरेली के थाना किलात क्षेत्र अंतर्गत कल अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालने वाले अभियुक्त इशाक पति को थाना किला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 28/6/2022 को थाना किला पर वादी मुख्तियार के द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री का विवाह इशाक से लगभग 11 वर्ष पूर्व हुई थी। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और जो इनकी पुत्री थी उसके पति के द्वारा इनकी पुत्री को 3 तलाक दे दिया गया था और तब से लगभग 1 महीने पूर्व से इनकी जो बेटी थी इनके यहाँ रह रही थी। कल लगभग 12:30 बजे इशाक इनके घर आया और इनकी पुत्री को ले जाने की बात करने लगा। पुत्री के ले जाने की बात करने लगा और पुत्री के ऊपर पूर्व से जो लाए गए एसिड थे उसके वो चेहरे पे फेंक दिया गया, जिसके चलते उनका चेहरा जल गया। और जैसे ही थाना पुलिस को इसकी जानकारी हुई, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर गई और उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। इस संबंध में थाना किला पर 307, 326A और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा और 452 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो नामजद अभियुक्त इशाक था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम में लगा दी गई थी। इशाक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जब की गई कि उसने इस तरीके की घटना को क्यों अंजाम दिया, तो उसने बताया कि हमारा पारिवारिक कलह चल रहा था जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया। और उससे जब ये पूछताछ की गई कि वो एसिड कहाँ से लाया, तो उसने बताया कि मोहल्ला जो मलुकपुर में ही उसके जान पहचान के जो दुकानदार है जिसका नाम अजहर अली है, उससे ये इसने एसिड लाया था। जो व्यक्ति इसे अवैध तरीके से एसिड जो दिया था उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इशाक नामजद अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।